दोस्तों नमस्कार, अमित टॉक शो में आप सबका स्वागत। आज हम फिर एक और एस्पायर टू इंस्पायर जर्नी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जिनको हम रैग टू रिचेज स्टोरी बोलते हैं। बहुत सारी ऐसे स्टोरीज हैं जो फर्श से अस की कहानी को बयां करती है, और इन सभी स्टोरीज को बताने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो हमने एक 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 एक्शन लिया है, बेसिकली उन लोगों को जो हमारे बीच के हैं और उन्हें अभी तक उस लेवल की पहचान नहीं मिली है, उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी जर्नी में आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर प्रदीप हल्दर। प्रदीप हल्दर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपके इस वंडरफुल शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है अपने दर्शकों को कि प्रदीप हल्दर जी जो हैं, वो आज के डेट में इंडिया के एक सबसे यंग इन्वेस्टर, ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर। 21 साल के एज में आज वो फाउंडर एंड सीईओ है पीएचडी कैपिटल प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के, और इस कम एज में उनके पास 9 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो रखा है, और आज के डेट में 2000 से भी ज्यादा लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। प्रदीप जी का नॉर्मली शेड्यूल काफी टाइट होता है, बट इसके बावजूद इन्होंने समय निकाला। सो प्रदीप जी, एक बार फिर से स्वागत है और तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सर। एंड आपका ये जो एक शो है बहुत ही अभी पॉपुलर हो गया है, एंड आपका भी ये जो एक जर्नी है सर, बहुत ही फैंटास्टिंग लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू। प्रदीप जी, हिंदी में एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत सीखने पा। ठीक है, जो होनहार बालक होते हैं वो पालने में ही उनके पैर को देख के समझ में आ जाते हैं कि आगे तो कुछ अच्छा करने वाले हैं, और आपकी जो स्टोरी जो है कुछ ऐसी ही लगती है। वॉरेन बफेट जो हमारे फील्ड के, फिनांस फील्ड के जो एक जाने माने वेल्थ गुरु माने जाते हैं, वर्ल्ड के रिनाउंड वेल्थ गुरु, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हम लोग मानते हैं, उन्होंने 11 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी। जब मैंने सुना आपसे कि आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही कम समय से, 12th ईयर जब आपका हो रहा था, जब आपने मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं करा था, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दी। सो मैं आपके बारे में कुछ बोलूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ही हमें अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि प्लेस लाइक कोलकाता, इवन कोलकाता से भी दूर एक छोटे से गाँव से रहने वाले, और अगर देखा जाए, मैं खुद ईस्टर्न इंडिया का रहने वाला हूँ, सो वहां पे जो लोगों की थोड़ी मानसिकता है स्पेशली इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो थोड़ा लो रिस्क टेकर होते हैं। सो कहीं ना कहीं हमें वो एक माहौल मिला हुआ है जहां पे हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब चीजों को से लोग जो है थोड़ा दूर रहते हैं। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है, उसमें 12 साल के छोटे से एज में आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दी, ये काबिले तारीफ है। सो प्लीज, मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, और हमारे ऑडियंस जो अभी देख रहे हैं, आई एम श्योर वो भी बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे आपकी जर्नी को जानने के लिए। सो थोड़ा सा मतलब डिटेल में अपना बचपन से आपकी जर्नी क्या, कैसे रही, आप बचपन में मतलब वो क्या कुछ हुआ आपके साथ, या कहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपके एस्पिरेशंस क्या थे, इन सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ बता दिया। एक्चुअली मैं जब छोटा था सर, तभी से दिल में एक बहुत ही बड़ा सपना था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है। एंड सबसे बड़ा बात क्या है सर, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड जब मैं छोटा था, मेरा दो सिस्टर है, मेरे बड़ा दीदी है, वो उन लोगों का शादी हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, पढ़ाई के लिए भी ज्यादा पैसा नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन घर के अच्छा नहीं था। पापा मेरा जो है वो मतलब पढ़ाई करने के लिए जितना एक होता है ना किसी फैमिली में कि सपोर्ट नहीं करता है, तो मेरा फादर्स वो क्वालिटी में जाता है। एंड मैं आज के डेट में बहुत ही हैप्पी हूँ कि मेरा फादर उस टाइम में ऐसा ही था,
बिकॉज अगर मेरा फादर मेरे को बोलता कि बेटा तू पढ़ाई कर, तो मैं पढ़ाई नहीं करता था। तो जब मैं 10 साल 11 साल में था, तभी मेरा फैमिली में मैंने इतना कष्ट देखा, इतना दुख देखा। इनफैक्ट खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसा भी मेरे को दिन देखना पड़ा जब मैं छोटा था, 10 11 साल मेरा एज था। लेकिन दिल में एक सपना था, नहीं टाटा बिरला अंबानी जैसा बनना है, वैसे कुछ बहुत कुछ करना है। तभी तो कुछ पता नहीं था कौन सा फील्ड में जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, क्या पढ़ाई करूं। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, होता है ना छोटा है तब दिमाग पे अंदर घुस गया कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए। गरीब घर से हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, तो एक तभी से जाननी शुरू हुआ था। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ सर, धीरे धीरे मेरा जो मदर है, मेरा मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड आप ये बोल सकते हो कि मेरा मदर ने ही मेरे को स्टडी कराया छोटा से। एंड मैं कोलकाता से हूँ, बंगाली मीडियम एकदम बंगाली एक स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया, जब 11 साल हुआ, तब मेरे को एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि अभी इंडिया में जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स है या फिर मिलीनियर्स है, वो सब लोग ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है जिस फील्ड में ट्रैफिक नहीं है। आप यहाँ से मतलब कोलकाता में क्या है सर, बेसिकली जो भी क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी आप स्टूडेंट से पूछो कि तू भाई क्या करेगा, बोलेगा मैं आईटीआई करूंगा, बोलेगा मैं आर्ट्स लूंगा, बोलेगा मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा। मतलब यहाँ पे एक मेंटालिटी ऐसा हो गया कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा। और मेरा सपना था बहुत बड़ा, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में, लेकिन किसके साथ बात करूंगा, कैसे करूंगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। तो उसके साथ साथ ना क्या हुआ, मैंने संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। जो भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, मैंने उनका वीडियो देखना स्टार्ट किया। तो तभी से दिल में ना एक मोटिवेशन आ गया था, नहीं कुछ करना है, लेकिन कैसे करूंगा वो तो कुछ पता ही नहीं था। तो धीरे 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 जब ऐसे सर जर्नी चलता गया, तब मैंने मेरा फर्स्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी था, माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड। मैं मेरा जर्नी लाइफ का एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से स्टार्ट किया था। और आप आपको भी सर पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है ना, एक ड्रीम दिखाया जाता है। जब मैं लाइव फिजिकल सेशन में जाता था, तो कंपनी का जो एक माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड की जो एक कंपनी है, कंपनी का जो सीईओ था, मेरे को स्टेज में बुलाया कि उसके बाद बोल रहा कि प्रदीप आप 11 साल के एज में अभी माई रिचार्ज ज्वाइन किए हो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या क्या जर्नी रहेगा। तो ये जो मेरा एक नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया था, वहां पे एक एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने महसूस किया, नहीं एक ड्रीम जो मेरा था पहले, उससे भी बहुत ज्यादा हो गया। मतलब मेरे अंदर एक आग लग गया था, नहीं भाई तुझे कुछ करना ही है। और घर में एक ऐसा भी सिचुएशन आ गया था कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद कर दो, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी मत करो। और मेरा दिमाग में तो एक ऐसा भी एक सिचुएशन आया था, कभी मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मैं घर ही नहीं रहूंगा, कभी मम्मी के साथ पापा का झगड़ा हो जाता है, कभी पापा के साथ मम्मी का झगड़ा हो जाता है। और आपको पता ही है सर, अगर कोई बच्चा देखेगा कि उसका मम्मी पापा के ऐसे लड़ाई चल रहा है, तो उसका इमोशनल वो कंट्रोल सही नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, तो मैंने उसके बाद देखा नहीं मुझे तो बड़ा कुछ करना है, लेकिन अगर स्टडी मैंने नहीं किया तो मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं देगा, कोई भी आदमी। एंड मैं कुछ भी कर लूं, मैं कहीं पे पहुंच नहीं सकता हूं। तो उसके बाद साथ साथ मैंने मेरा स्टडी चलाते गया। मैं एक कारखाना में काम करता था, जहाँ पे मेरे को पर डे 100 रुपया मिलता था, पर डे 100 रुपया। तो मैं उस कारखाना में काम करके मैंने एक एंड्रॉयड फोन बाई किया था। तभी एंड्रॉयड नया नया आया था, 2012-13 में नया नया आया था, माइक्रोमैक्स का मैंने एक फोन खरीदा था। तो मेरा जो गांव है, गांव में जो थोड़ा बिजनेसमैन लोग होता है ना, वो बिजनेसमैन लोग मैंने सुना कि शेयर मार्केट में ऐसे काम करता है भाई, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। तो दिमाग में आया भाई शेयर मार्केट क्या है, इसको जानना है। तो उसके जान ये जो एक इंटरेस्ट आया, तो मैंने गूगल में सर्च किया कि शेयर मार्केट। उसके बाद सर्च करने के बाद बहुत सारे कंपनी का लिस्ट आया, मेरा एज भी नहीं हुआ था, मेरा मम्मी का डॉक्यूमेंट्स देके एक डीमैट अकाउंट ओपन कर डाला, 2012 का बात मैं बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद ऐसे ही बस जर्नी आगे गया। और जो मेन पॉइंट है, क्लास 10th में एक ऐसा सिचुएशन था कि मैं मतलब सोच डिसीजन ले लिया था, नहीं मैं तो अब पढ़ाई नहीं करूंगा, किसी अगर कारखाना में या फिर किसी के कोई भी नौकरी अगर किसी को कोई भी दे दे, किसी के अंडर में काम वगैरह करूंगा, ये सब कुछ सोच लिया था।
एक मोटिवेशन मेरा जो था वो भी चला गया था। लेकिन मैंने और फिर से सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं क्या कर लूंगा। मैं 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 कमाऊंगा, लेकिन इससे मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं रह सकता, बिकॉज मेरा जो थॉट्स है, मेरा जो थिंक है, वो कमिंग ईयर में मैच नहीं होगा। और एक चीज देखेंगे सर, आप जितने भी बड़े बड़े बिलीनियर्स मिलीनियर्स हो, वो पैदा कभी भी अमीर नहीं होता है, हमेशा 80% 90% केसेस हमेशा पूरी रहता है बंदा। तो मैंने ना क्या किया था, तभी मैंने बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो मेरे अंदर वो पढ़ने का जो एक जुनून है वो था, और ऐसे ही करके बस जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था 2012 से, नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद शेयर मार्केट, बस ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। फैंटास्टिक। प्रदीप जी, आपके बात सुन के मुझे काफी कुछ मतलब मैसेज मिल रहा है। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी इस चीज से कनेक्ट कर पाए होंगे। पहली बात तो सक्सेस पाने के लिए लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग होता है कि सही बैकग्राउंड होना चाहिए, सही बैकअप होना चाहिए, यू नो एजुकेशन सही होना चाहिए, या फिर वैसा माहौल मिलना चाहिए। बड़े शहर के लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सो आज के दिन पे अगर देखा जाए तो ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बड़े एग्जाम्पल, चाहे अंबानी का बात कर लीजिए, धीरू भाई अंबानी की हम बात कर रहे हैं, या फिर महेंद्र सिंह धोनी का ले लीजिए। आज के डेट में क्रिकेटर्स टीम में जो भी है, 90% प्लेयर जो है छोटे शहरों से हैं। इस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट की भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं। ये बार बार प्रूफ हो चुका है, सक्सेस पाने के लिए आपका एजुकेशन मैटर नहीं करता है, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, आपका एजुकेशन मैटर नहीं करता है, इवन कि आप गरीब हैं अमीर है कोई मैटर ही नहीं करता है, राइट। और ये बात फिर से प्रूफ होती है आपके साथ, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपना जर्नी बताया और जिस बैकग्राउंड से और जिस एज, इवन एज भी मैटर नहीं करता। लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो मैं छोटा हूं, अभी मैं क्या करूंगा, लेकिन एज भी मैटर नहीं करता है। एंड दूसरी चीजें, दूसरी जो बात आपके कन्वर्सेशन जो समझ में आई, आप जिस किसी भी एज पे हो, आप जिस किसी भी जगह पे रह रहे हो, अगर आप में सपने देखने की चाह है और आप सपने देख रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए छोटा ही सही लेकिन स्टेप्स लेना चालू कर दिया, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। ये बहुत ही जबरदस्त मतलब आपकी बातें सुनने को सुनने के बाद काफी इंस्पायरिंग लग रही है कि इतना ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पे मम्मी पापा का बन नहीं रहा था, पापा से सपोर्ट नहीं था, लेकिन समहाउ मम्मी का सपोर्ट आपको मिला, बट देन वो जग अगर पढ़ने की बात हो या फिर एक बोलते हैं ना एक माहौल की जो बात थे, उसमें तो भारी कमी थी। इसके बावजूद आपने उस वक्त पे, आज से 8-9 साल पहले की अगर हम बात करें, तब की आप अंडर मतलब आप 18 ईयर्स भी नहीं थे, अभी जस्ट आप 21 साल के हैं, तो उस समय तो और कम एज के थे, 12-13 साल जो भी रहा होगा। उस समय आपने कारखाना पे काम किया और एंड्रॉइड फोन लिया और समहाउ शेयर मार्केट आपको अट्रैक्ट किया, सुनाई दिया कि हाँ वो बिजनेसमैन लोग कुछ करते हैं। उससे कनेक्ट होके आप इंस्पायर हुए और देखना चालू कर। एक और बात मुझे याद आती है। अगर आपका व्हाई क्लियर है, हाउ जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। एकदम तो ये बात जो है आपकी बातों से समझ में आ रही है। आपको एक क्लैरिटी दिखा कि मुझे शेयर मार्केट करना है, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाउ धीरे धीरे होने लगा। ये जो हाउ धीरे धीरे होने लगा, स्टार्ट जो है स्मार्टफोन से हुआ, ये आगे कैसे बढ़ा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं, आगे बढ़ा वो भी एक क्योंकि आप बहुत एक माइनर थे, आप अपने नाम से एक अकाउंट भी नहीं खोल सके थे, सो आपने मदर के नाम से अकाउंट खोला, बट आगे की जर्नी कैसे रही और कैसे इस फील्ड में आपने एक्सपर्टाइज मतलब आपने करी। उसके बाद सर क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही मैंने गूगल में सर्च किया कि शेयर मार्केट, उसके बाद बहुत सारे कंपनीज का लिस्ट आया, मैंने देखा, उसके बाद अकाउंट्स ओपनिंग किया। शुरू शुरू में बहुत एक्साइटेड था, मम्मी से कुछ पैसा उधार लिया, बोला मम्मी तुम्हें 1 महीना बाद दे दूंगा, ऐसे करके बहुत पैसा शेयर मार्केट पे मैंने लॉस किया। इंटर ट्रेडिंग, लाइक आपको पता है ना, जब कोई बंदा नया नया आता है, गैम्बलिंग करता है, ट्रेडिंग करता है, सोचा भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो जी ऐसा एक मेरा स्टेज था, वो 12-13 सालों में खत्म हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने
ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, बहुत लॉसेस हुआ मेरा। एंड उसके बाद मैंने सोचा किसी से हेल्प ले लूं, कोई एडवाइजर से मैंने हेल्प ले लूं, अगर एडवाइजर मेरे को हेल्प करेगा तो मैं कुछ पैसा कमा सकता हूं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, आजकल आपको भी पता है शेयर मार्केट में क्या होता है, इंदौर वाले और गुजरात वाले ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कंपनी इंडिया में भरे पड़े हुआ है, जो कॉल्स प्रोवाइड करता है, टिप्स देता है, बेसिकली फ्रॉड करता है, गैम्बलिंग करता है। तो मैंने ना उनसे कुछ टिप्स लिया था, और टिप्स लेने के एक दो दिन के अंदर ही अंदर मेरा जो सारा पैसा था सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उसके बाद फिर से डिप्रेशन में आ गया, सोचा कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ से शायद कुछ नहीं होगा। और तभी मेरे को गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, तब मैं ही था, मैं ही बोलता था कि प्रदीप ना भैया तू ना टेंशन में आ, तेरा होगा, ऐसे मैं खुद को ही बोलता था। और उसके बाद मैंने डॉक्टर विवेक बिंदा सर का वीडियो देखता था, संदीप माहेश्वरी जी का, मतलब जितने बड़े बड़े जो ट्रेनर्स है, मोटिवेशन है, उन लोगों से मैं हमेशा मोटिवेशन लेता था, लेके मैं आगे बढ़ रहा था। और उसके आगे बढ़ते ही फास्ट स्टेप में मेरा लॉस हो गया, तो वो लॉस कुछ दिनों कुछ महीने में मैं संभल गया, खुद को संभला। उसके बाद ये जो टिप्स वाले एडवाइजर है, इनसे टिप्स लेके बस पैसा जो भी था पूरा खत्म हो गया। फिर मम्मी ने डांटा फैमिली से, तो ये भी बोल दिया तुझे हम नहीं पढ़ाएंगे, तुझे हम कुछ आगे नहीं सपोर्ट करेंगे, ऐसे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज जो चल रहा था, नहीं मैं जो करूंगा मैं इस फील्ड से ही करूंगा, इस फील्ड में अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है मुझे उनका लाइफ को स्टडी करके इस फील्ड को आगे बढ़ना है। एंड मेरे को मतलब फ्रैंकली सर एक चीज पता है, तो अगर इंडिया में बिलीनियर्स बनना है तो एक बिलीनियर्स घर में पैदा हो जाओ, सेकेंड कोई बिलीनियर लड़की के साथ शादी कर लो, थर्ड एक ऐसा बिजनेस करो जो बिजनेस एक ग्रेट फेयर वाला हो, जिसमें लोगों को एक मतलब टफ होना चाहिए वो बिजनेस। और स्टॉक मार्केट आपको पता है सर इतना टफ है, जो यहाँ पे 90% मानुष फेलियर है, यहाँ पे 90% लोग है लॉस करता है, ओनली फॉर 10% सक्सेसफुल यहाँ से बाहर निकलता है। तो मैंने जब जर्नी स्टार्ट किया था धीरे धीरे, उसके बाद 2014 आया, 15 आया, मेरा जो 10th का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम तब आया। उसके बाद मेरा कंसेंट्रेशन मार्केट में डेली मिनिमम 12 से 15 घंटा था, मैं डेली 12 से 15 घंटा स्टडी करता था। और सर आप अब तो जानते ही हो, अगर हम कोई चीज को दिल से एंड पैशन बना ले अगर उसको, एंड एकदम शिद्दत से चाहे, एंड डेली 12 घंटा 15 घंटा हम टाइम दे उसको, तो कोई भी बंदा कोई भी फील्ड में सफल हो सकता है। तो उसके बाद मैंने इतना टाइम दिया, इतना कुछ सीखा, मैंने जो बिगिनर जो पार्ट वाला होता है सब कुछ सीखा, मैंने फ्यूचर सीखा, ऑप्शन सीखा, डेरिवेटिव सीखा, मैंने ट्रेड किया, मैंने हेज करना सीखा, सब कुछ मैंने सीखा। एंड सर मैंने बहुत सारे ट्रेनर से मैंने ट्रेनिंग भी लिया। एंड तभी क्या हुआ हो रहा था 2014 में, उसके मैंने माध्यमिक जो 10th का बोर्ड एग्जाम है तब दिया था, क्लास 10th 2015 में। तो 2015 में मैं जब दे रहा था, तभी मेरा गांव में एक मेरा ब्रदर था, मैंने उनसे पूछा कि आफ्टर 10th कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि प्रदीप तुम तो शेयर मार्केट में इतना इंटरेस्ट रखते हो, तुम एक काम करो तुम कॉमर्स ले लो। तो जब मैं 8th में था तभी मैंने डिसीजन ले लिया था, मैं 10th आफ्टर 10th मैं कॉमर्स ज्वाइन करूंगा। एंड जैसे ही मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया, वहाँ पे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग है, शेयर मार्केट वाला पार्ट जो है वो आ गया। लेकिन बात क्या हुआ सर, जो टीचर है हमारे उनको भी पता नहीं है, वो लोग तो बस आज से 15-20 साल पहले वो स्टॉक मार्केट में आया है, सॉरी टीचिंग फील्ड में आया है, लेकिन वो उनको भी ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज पता नहीं है, बस बुक पे पढ़ा, हाँ शेयर मार्केट है वो। 90% लोग तो डरता ही है शेयर मार्केट को नाम सुन के। लेकिन और बंगाल में क्या है, बंगाल में तो और भी बुरा हाल है, यहाँ पे तो अगर कोई सोचेगा कि पैसा को मतलब इतना ज्यादा स्कैम हो गया हमारा कोलकाता में सर, तो अभी तो शेयर मार्केट का नाम सुनते सब लोग भागता है। तो ऐसा एक सिचुएशन पड़ा, कोई मेरे को हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर 2015 से वो एक जुनून आया, नहीं ये जो मेरे साथ मैंने जो गलती किया, ये अभी इंडिया में 140 करोड़ का मतलब टोटल पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे लाखों में लोग आ रहा है मार्केट में, लाखों हजारों करोड़ों का पैसा यहाँ पे डूबा रहा है, मुझे उन लोगों को बचाना है, मुझे उन लोगों को सिखाना है, लेकिन एक ऑनेस्टी के साथ इस फील्ड में काम कराना है। जो लोग इस मार्केट को भोले भाला रिटेलर इन्वेस्टर को लूट रहा है, उन लोगों को सेव करना है, बचाना है, ऐसा एक जुनून आ गया था। उसके बाद 2015 में मैंने सोच लिया था मैंने मेरा खुद का कंपनी बनाऊंगा,
मैं खुद का ब्रोकिंग फर्म लॉन्च करूंगा। भाई पैसा नहीं था तभी, कुछ पैसा नहीं था जेब में तब, तभी मैं मतलब मैं सोचा। लोग बोलता है ना कि भाई थिंकिंग का पावर है, जब तुम सोचोगे और सोचते सोचते इतना डीप में चले जाओगे, उसका इफेक्ट मेरे साथ तो एकदम मेरा हुआ। एंड मैं इसको कभी डिले नहीं कर सकता। मैं एक ही चीज बोलूंगा, सोचने का बहुत जबरदस्त पावर है। तो मैंने उसके साथ साथ मेरा जो क्वालिफिकेशन है मैं उसको भी बढ़ाते गया, स्टडी है मैंने उनको भी छोड़ा नहीं है। लेकिन एक चीज, मेरा 10th में बहुत खराब रिजल्ट आया था बिकॉज स्टॉक मार्केट की वजह से। अगर कोई बंदा पढ़ाई ना करके 10-15 घंटा मार्केट उसको स्टडी करेगा तो ऑब्वियसली सर तो पढ़ाई का तो हालात खराब ही हो जाएगा। उसके बाद 11th 12th में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है अकाउंटेंसी पे और मैथमेटिक्स पे, थ्योरिटिकल मैं प्रैक्टिकल में ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो इसीलिए मेरा HS में भी ज्यादा कुछ अच्छा मार्क्स नहीं आया था। लेकिन मैं HS में किसी के पास मैंने पढ़ा नहीं है, क्लास 11th 12th मैं बस मेरा गांव में एक सर है, टीचर है, उनके पास कभी कभी एग्जाम से पहले जाता था, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्व करने के लिए। बाकी तो मैं खुद से ही सॉल्व कर लेता था। और मार्केट का नॉलेज तब इतना हो गया था कि मैं तभी मतलब बहुत दूर चला आया था। और उसके बाद क्या हो ना, मैं आपको पहले ही बताया कि 10 साल के बाद 11-12 साल जब मेरा था तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। वहां से ना मेरे को और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिला, एक अच्छा नेटवर्क बन गया था। और ऐसा कोई सेमिनार हो, मीटिंग हो, कोई भी ऐसे नॉलेजेबल कुछ भी वर्कशॉप हो, मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का साथ भी मैंने 3-4 बार बात किया, उनका मीटिंग अटेंड किया। मैं गौरगोपाल जी जो अभी एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है उनके साथ भी मैंने टाइम स्पेंड किया, सोनू शर्मा जी के साथ भी मैंने टाइम स्पेंड किया, उज्जवल पाटनी जी उनके साथ भी मैंने टाइम स्पेंड किया। तो कहते हैं ना, आप जिसके संगत में जाओगे आपको आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको एक ऐसा ही थॉट्स मिलेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा होता गया होता गया होता गया। लेकिन और एक जो बात सर था शुरू शुरू में, मतलब एक है मोटिवेशन जो है ये मतलब बाहर से आएगा इसका एक लिमिटेशन है, जो अंदर से जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो तभी क्या था ना, मेरे को बाहर से मोटिवेशन आ रहा था बहुत, लेकिन सबको मैं सुन रहा था, सबको मैं कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। बस खुद का इन्वेस्टमेंट संभाल रहा था एंड खुद के साथ साथ कुछ कुछ नेटवर्क, जितना मीटिंग वर्कशॉप किया इतना ज्यादा फेसबुक में एक्टिव रहा, यूट्यूब में एक्टिव रहा तभी से ही। तो उसके साथ साथ क्या हुआ ना, मेरा अच्छा एक नेटवर्क बनता गया। तो जैसे ही नेटवर्क बनता गया मैंने भी उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। और इस फील्ड को जो मेरा पैशन है, पैशन को मैंने प्रोफेशन बना दिया। मैंने फैंटास्टिक। सोचा अगर मैं मेरा पैशन को प्रोफेशन बना दूंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड पे। और मेरे को ना मतलब जो रिटेलर इन्वेस्टर है, जो मार्केट में नया लोग आ रहा है या फिर जिनके पास बहुत अच्छा है, आप ऐसे लोग को भी सर सुनेंगे कि भाई मेरे पास तो 20 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन बैंक बैलेंस 0 है, कुछ नहीं है। तो मैं उन सारे लोगों का थॉट्स माइंड पढ़ने लगा, जो नया नया ट्रेडर्स लोग इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं उनका माइंड पढ़ने लगा। उनका जो प्रॉब्लम है बस उसको फ्री में सॉल्व करता था मैं, फ्री में कुछ भी पैसा नहीं लेता था। और लोग भी इतना ज्यादा मजा लेते थे मेरा सेशन को अटेंड करके, मेरे साथ जुड़ के मैं उनको इतना अच्छा एडवाइस देता था। ऐसे भी सर बहुत बार हुआ जिनके पास 20 लाख 30 लाख फंड है लेकिन गाइड करने के लिए कोई मेंटर नहीं है। तो मैंने उनको समझाया ऐसे ऐसे कॉल आ सकता है आपके पास, कभी अटेंड मत करना, ऐसे ऐसे इंटरेस्टेड मत करो। और मार्केट में ना मैंने बहुत एक्टिव रहा था, मार्केट में मैंने इतना एक्टिव रहा सर कि 4-5 महीने में 2-3 महीना ऐसा रहा कि मैंने रात में सोया नहीं था। मतलब मेरा जो आंखें है इसके नीचे काला पड़ गया था, मतलब इतना डीप स्टडी, इतना पैशन। हेल्थ हेल्थ को लेके तो मेरा माँ मदर अभी भी बोलता है कि भाई तू हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रख, अपना हेल्थ पे ध्यान रख, काम तो बाद में भी करेगा। लेकिन मेरे को अभी भी एक प्रॉब्लम है, मैं हेल्थ का ध्यान नहीं रखता हूँ। इसे इसके लिए मम्मी से थोड़ा डांट भी कभी कभी मिल जाता है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ये भी चलता था। तो उसके बाद ना 2017-18 के बाद क्या हुआ मेरे अंदर और भी, आप देखो सर कॉन्फिडेंस कब आता है, कॉन्फिडेंस तभी आता है बंदे के पास जब बंदे के पास नॉलेज हो, नॉलेज होती है जी। नॉलेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है। और मैंने इतना ज्यादा, इतना फेलियर मैंने झेला, इतना कुछ मैंने किया, तो मेरे का मार्केट में जो भी कंपनी से है, सेगमेंट है, जो भी कुछ है ना, सब कुछ पता चल गया कि कौन सा बिजनेस कैसा रन कर रहा है। और मुझे बिजनेस में बहुत मजा था। और मेरा 10th के बाद भी जो 11th में कॉमर्स था, मार्केटिंग था, सब्जेक्ट था,
इसके लिए और भी ज्यादा मैं एकदम दिन भर इस फील्ड में मतलब एकदम अटैच रहता था। तो बस ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ा। एंड उसके साथ साथ एक बात जो है जो अच्छा बहुत मेरे साथ हुआ, मैं हमेशा नेटवर्क बिल्ड करता हूँ, बिकॉज किसी ने कहा है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो मैंने करेक्ट। ये चीज को कभी भूला नहीं हूँ। एंड उसके बाद मेरा लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया जिन्होंने मेरा लाइफ को बदल के रख दिया, उनका नाम है मिस्टर धनंजय भाटिया सर। धनंजय भाटिया सर को मैंने फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजा था, धनंजय सर ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था, मैंने उनसे चैट पे बात किया। तो तभी क्या हो रहा था, एक कोलकाता में मैंने फिजिकल सेशन किया था जहाँ पे 70 से 80 लोग, लगभग अप्रोक्स 100 लोग आया था। तो मैं एक सेमिनार किया था, 1 घंटे का सेमिनार। तो 1 घंटे का सेमिनार पे मैं ऐसे ना मतलब बहुत स्पीड से बात कर रहा था, तो धनंजय जी ने वो वीडियो मैंने देखा, एक छोटा सा 1 मिनट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, तो धनंजय जी ने वो एक एक क्लिप देखा देखा देखने के बाद मेरे को डायरेक्टली कॉल कर लिया। तो मैंने सोचा भाई इतना बड़ा इंडिया के ट्रेनर मेरे को कॉल कर रहा है, कॉल रिसीव करता हूँ कि बोला कि प्रदीप मैं धनंजय बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ जी सर बताइए। बोला तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये तुम्हारा गलती है, वो है वो है। एक चीज मेरे को तो पहले गुस्सा आया कि मेरा गलती ऐसा बोल रहा है सर, लेकिन जब मैं घर में आया, घर में आके सोचा आपका गलती कौन बताएगा, जो आपका भला चाहता है, जो आपको बराबर लगता है कि नहीं इसको आगे लेना आगे आगे लेके जाना चाहिए। और मुझे भी ऐसा एक पर्सन चाहिए था, एक मिनट। हम तो सर देखो यूट्यूब में या फिर कोई भी फ्री में ज्ञान दे देता है कि तुम ये करो वो करो, लेकिन मेंटर वो बहुत ही कम लोगों के पास रहता है। मेंटर जो होता है ये गेम चेंजिंग ही रहता है। तो धनंजय सर ने एक ऐसा एंट्री मारा मेरा लाइफ में सर, तो मेरा वह से ना पूरा गेम चेंज हो गया था। मेरे पास तभी नॉलेज था, मेरे पास कॉन्फिडेंस था, मुझे काम भी करना चाहता था, मेरे पास मोटिवेशन था, लेकिन धनंजय जी ने आके मेरे लाइफ में मेरे को समझाया कि प्रदीप मोटिवेशन उनको चाहिए जिनके पास प्लान नहीं है कि करो क्या, तुम्हारे पास प्लान है, तुम्हारे पास नॉलेज है, अभी तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें मोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो जिसको समझा, उसके बाद जो मैंने मेरा कंपनी है पीएचडी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड मैंने लॉन्च किया, उसके बाद मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन मैं प्रोवाइड करता रहा। एंड आज के डेट में मैं 25 करोड़ का फंड भी मैनेज कर रहा हूँ, एंड आगे भी क्या बहुत बात। जर्नी करना है। बस ऐसे ही सर जर्नी आगे जाता गया। एक चीज मैंने नहीं छोड़ा वो है सीखना, बस अभी भी सीखते जा रहा हूँ। एंड अभी भी जो एक चीज है लाइफ में बहुत बड़ा बनना है, बहुत कुछ करना है, वो जो एक अंदर वाला जो एक एनर्जी है वो मेरे पास तो भर भर के है, बस अभी ऐसे ही फैंटास्टिक चलते फैंटास्टिक। जा रहा है। तो प्रदीप जी आपकी ये सारी बातें जो है बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। नो डाउट इन सब बातों से हमारे व्यूअर्स को काफी फायदा होने वाला है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, सैलरीड क्लास हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस क्लास हो। बट देन एक इंडिविजुअल को लाइफ में ग्रोथ करने के लिए जो आपकी बातों से हमें समझ में आ रही है वो यह है कि कंसिस्टेंट होना होगा अपने प्रोफेशन में, एकदम लर्निंग एकदम लर्निंग कंसिस्ट का जो है कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही वो ये है कि लाइफ में एक मेंटर का होना जरूरी है। सो आप लकी रहे कि आपको सामने से मिल गया, बट अगर नहीं है तो अगर आपको एक मेंटर मिल जाए जो आपको टाइम टाइम टू टाइम आपको गाइड कर सके तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मेंटर जो होता है वो आपके स्ट्रेंथ को जानता है, एट द सेम टाइम आपके वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करता है। एज ए इंडिविजुअल हमें अपना स्ट्रेंथ पता होता है, लेकिन वीकनेस को हम कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरकम करके चल रहे होते हैं। तो मेंटर जब हमें अपने वीकनेसेस दिखाता है और उनको हम जब दूर करके और काम करने लगते हैं तो उसका एक जबरदस्त रिजल्ट हमें मिलता है। प्रदीप जी एक बात बताएं, अभी तक की जो जर्नी रही है आपकी, जैसा कि आपने बताया इतना 12 साल के एज से आपने खुद इन्वेस्ट करना चालू किया, काफी सारा लॉस किया, बट देन आप वहां पे रुके नहीं, आप विवेक बिंद्रा जी को सुनने लगे, उनके प्रोग्राम को अटेंड किए, उज्जल पाटनी के प्रोग्राम को अटेंड किए, सोनू शर्मा को अटेंड किए, गौर गोपाल दास जी से पर्सनली मिले। सो इट्स लाइक बिजनेस क्लास के मेंटर हो, स्पिरिचुअल क्लास के मेंटर हो, है ना, नेटवर्किंग के मेंटर हो, इट्स लाइक हर किसी के जो दिग्गज लोग हैं इंडस्ट्री के, हर किसी के साथ आपने इंटरेक्ट किया। तो वो कहते हैं ना कि अगर
आपको करोड़पति बनना है तो 4 करोड़पति दोस्त बना लो, 5वां आप खुद बन जाओगे। तो आपकी बात से भी कुछ ऐसा ही फील आ रहा है, आपने अपना जो है कहीं ना कहीं संगत जो है आपने बहुत जबरदस्त अपग्रेड किया अपने आप को। नॉट नेसेसरली कि दे आर मैंने वो सारे लोग आपके दोस्त हैं, बट देन उनके संगत में आप आ गए। सो ये एक बड़ी चीज दिखती है आपकी बातों से। बट इंस्पाइट ऑफ दैट मैं अपना बचपन को रिकॉल करता हूँ, तो मैंने भी अपनी जर्नी एक्चुअली काफी अर्ली एज में स्टार्ट की थी, और पहला जो इंटरव्यू मैंने फेस किया था उस समय मैं खुद अंडर ग्रेजुएट था। मुझे ये बोल के रिजेक्ट किया गया था कि मुझे बोला गया था डू यू हैव क्वालिफिकेशन, तो मैंने बोला नो। देन पूछा डू यू हैव एक्सपीरियंस, मैंने बोला नो। व्हाट डू यू हैव देन? सो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर किस बेसिस पे आपको नौकरी दें? लेकिन आपकी बातों से जो लग रही है और जो समझ में भी आ रहा है कि अगर जर्नी में आगे बढ़ना है, ठीक है, इनके अपने रोल्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो और क्वालिफिकेशन हो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना क्वालिफिकेशन के, बिना एक्सपीरियंस के एट द एज ऑफ 12 आपने जर्नी स्टार्ट की और आज एक एज ए यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अपने आप को एस्टैब्लिश किए हैं इन स्पाइट ऑफ सो मेनी मतलब चैलेंजेस, सो मेनी प्रॉब्लम। सो मैं थोड़ा सा वो जो एरिया था थोड़ा सा आपने स्किप किया अपने दर्शकों को लिए कि वो जो टाइम था जब आपने फेल किया और सारा पैसा भी नुकसान कर दिया, फिर वो रास्ते कैसे बने कि आज अपने आप को एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में आप एस्टैब्लिश कर पाए? क्योंकि कुछ भी करने के लिए, चाहे सीखने की बात हो या बिजनेस में ही आगे बढ़ने की बात हो, हर जगह पैसा चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज हुई उस पर थोड़ा हाईलाइट। एक्चुअली सर मेरे साथ एक चीज है, एक बंदा 5 साल 10 साल मेहनत करके आईपीएस आईपीएस आईएएस कुछ भी बन सकता है यूपीएससी देके, लेकिन कोई बंदा सक्सेसफुल फंड मैनेजर नहीं बनता है 10 साल 15 साल भी मार्केट पे रहे तो। और मेरे साथ एक है, मैं छोटा सा ही, मैं इमोशनल लेस हूँ, मेरे अंदर इमोशन बहुत ही कम है, और मेरे को अगर लॉस भी होता है आई हैव नो इन इमोशन, मेरे को अगर प्रॉफिट भी होता है आई हैव नो इन इमोशन। तो मेरे अंदर ये जो चीज है, इमोशन पे मैं चलता नहीं, मैं हमेशा लॉजिक में चलता हूँ। जब मैंने लॉसेस किया, हाँ डिप्रेशन आया, लॉसेस हुआ, किसको खराब नहीं लगता भाई, सबको खराब लगता है, लेकिन मैं वो रातों रात उसको रिकवर कर गया। एंड मेरे अंदर इतना पॉजिटिविटी है कि आप मेरे को कभी भी किसी के 100 नेगेटिव लोगों के साथ भी बैठा दो, मैं नेगेटिव तो होने वाला नहीं हूँ, मैंने जो बोला मैं वो करके दिखाऊंगा ही। और तभी जो है ना सर, लॉसेस हुआ उसके बाद 1-2 दिन, इनफैक्ट क्लास जब मैं 10th क्रॉस कर रहा था उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो बड़े सिस्टर एंड मेरा जो जीजू है, उन लोगों ने मेरे को बोला अगर तू होटल मैनेजमेंट नहीं करेगा, इस फील्ड में जाएगा, तो हम तुझे नहीं पढ़ाएंगे, हम तुझे कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, हमारे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, अपना काम बनता, भर में जाए जनता, कोई इशू नहीं है, अगर मेरे को कोई छोड़ भी दे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो बोला ये मैंने करके दिखाऊंगा। और क्या है ना सर, आपने जो बोला कि आगे का रास्ता हुआ कैसे, आगे का रास्ता मैंने जो नेटवर्क बिल्ड किया था ना, मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा था, एंड जैसे ही मैं लोगों को हेल्प कर रहा था, काम कर रहा था, वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू मेरे को आया। मैं 2015 से 2018 के 20-20 ही मैंने 15 से 20 लाख रुपया बना लिया था, इस मार्केट से ही मैंने बना लिया था प्रॉफिट। एंड मैंने एक ऐसा ऐसा रिसर्च करके एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया जो भी आज भी एक इफेक्टिव है। एंड मैं यही हमेशा मेरा क्लाइंट को भी सजेशन देता हूँ कि भाई काम करना है शेयर मार्केट में तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, 1 महीना 1 हफ्ते के लिए तो कोई भी आता है चला जाता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो आने वाला 50 साल तक आपके साथ मैं जुड़ूंगा, ऐसा करके आपको काम करना है। और एक चीज जो सर कि भगवत गीता में एक श्लोक है, यज्ञ च श्रद्धा नष्ट संशय आत्मा विनश्यति ना यम लोक अस्ति ना परा ना सुखम संशय आत्मनम। यज्ञ च मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है, यज्ञ च या श्रद्धा, जो आदमी किसी को श्रद्धा नहीं करता, यज्ञचा श्रद्धा नष्ट संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति ना यम लोकोस्ति ना परा, ना इस लोक में ना उस लोक में, ऐसा 7 लोक होता है, स्वर्ग मर्त्य पतन 7 लोक होता है, ना सुखम संशय आत्मा नाम, ऐसे आत्मा को कभी सुख शांति नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमेशा हमें लॉजिकल सोचना है
एंड पॉजिटिव सोचना है एंड नेगेटिव भी अगर किसी को लगे कि हमेशा वह से अवॉइड करना है। एंड एक क्या है ना जो डेडिकेशन, भयंकर डेडिकेशन चाहिए कि मुझे करना है तो करना ही है। तो एक जो है मेरे अंदर कुछ तभी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन एक है जो मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो एक भयंकर डेडिकेशन। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से एक बार फिजिकल मीटिंग में पूछा था कि विवेक बिंद्रा जी मेरे पास ना रिसोर्स नहीं है, तो विवेक बिंद्रा जी ने मेरे को बोला था प्रदीप तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है लेकिन तुम रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो, क्षमता हमारे पास है, हम वो क्षमता हम वो बना सकते हैं रिसोर्स। तो मैंने एक चीज देखा सर, आप इसको लक भी बता दो या फिर क्या बता दो आई डोंट नो, बट मैंने जिस तरह से सोचा एंड इस तरीके से मैंने आगे गया ना, आई डोंट नो, अपने आप रास्ता खुल गया, अपने आप रास्ता खुल गया, अपने आप धनंजय जी आते गए, अपने आप क्लाइंट बढ़ता गया, अपने आप लोगों ने पैसा लेके आ गया। अभी क्या हुआ देखो, प्रीवियस ईयर में मैंने मेरा कंपनी लॉन्च किया, अभी 1-2 हजार लोगों को मैंने ट्रेनिंग दे दिया, अभी फिजिकल ट्रेनिंग भी मेरा होने ही वाला था, कोविड के चलते मैंने इसको अभी पोस्टपोन किया, अभी इतना करोड़ों का फंड मैनेज कर रहा हूँ। तो ऐसे कैसे हो रहा है, बिकॉज मैं चल रहा हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं झुकूंगा, मैं गिरूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकने तो वाला नहीं हूँ। एंड एक चीज इस फिनेंशियल मार्केट में क्या है सर, मैंने हार्ड कोर इसको बहुत ही दिल से एंड बहुत ही मतलब क्या है ना इमोशन से मैंने समझा, आज के जो ट्रेडर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स मार्केट में नया नया आ रहा है ना, इनको बहुत सारा ट्रेनर के वजह से इनका लॉस हो रहा है, बहुत सारे एडवाइजर के वजह से इनको लॉस हो रहा है, बहुत नॉलेज की कमी से इनको बहुत लॉसेस हो रहा है। तो मेरा बस सपना एक ही है, इन लोगों को एक ऐसा मॉडल मैं दे दूं, एक ऐसा, लेकिन क्या है ना एक कहावत है कि मार्केट इज लॉजिकल पीपल आर इमोशनल, मार्केट तो भाई लॉजिक से चलेगा, जो ह्यूमन है वो इमोशन रहता है, वो इमोशन पे चलेगा। लेकिन जितना भी हो सके अगर हम सारे एडवाइजर मिलके ट्राई करें तो इंडिया में और भी ज्यादा ग्रोथ आ सकता है, ऐसा मैंने एक सोचा। मैंने कंपनी लॉन्च किया, उसके बाद जो अभी काम चल रहा है इतना स्पीड से, इतना तेजी से काम चल रहा है कि मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अभी मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कितना बड़ा टारगेट है जी। मैं सोच रहा हूँ एक ही बात ना, आई डोंट नो, मुझे ना पता नहीं लग रहा है, लेकिन अपने आप रास्ता वो खुल रहा है मेरे लिए, आई डोंट नो, इसका आंसर सर मेरे पास नहीं कि क्या 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 कर रहे हो तुम प्रदीप ऐसे। मैं दिल से चाह रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ और जल्द से जल्द मैं डिसीजन ले रहा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है ये सही है गलत है, गलत है गलत हो गया भाई, गलत हो सकता हूँ, गलती से सीखो, दोबारा गलती किया दोबारा सीखो, अगर फिर से गलती किया उसको गलती बोलता है। तो इसीलिए ना गलती करना अच्छा है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना वो सही नहीं होता है। एंड मैंने बहुत सारा गलती किया एंड गलती, संदीप माहेश्वरी जी बोलते हैं ना सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपीरियंस कम फ्रॉम योर बैड एक्सपीरियंसेस। तो बात यही है सर, मैं बस ऐसे ही आगे चलता गया। धनंजय सर जो है इतना हेल्प किया मेरे को, इतना हेल्प किया, मतलब वो जो एक ऐसा बंदा है मेरा लाइफ में जिनके पास ना कोई ईगो है ना कोई एटीट्यूड है, जो भी पूछता हो, आज 2 बजे भी कॉल किया फोन रिसीव करके बात करता है, मेरे को बहुत हेल्प किया। एंड ऐसे ही मेरा जिंदगी में अपने आप मैं जिस तरीके से अभी काम कर रहा हूँ और मेरा फुल टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे पास एक रिसर्च टीम है अभी एक और कॉलिंग टीम है, जो भी डिपार्टमेंट्स रहता है मेरे पास वो भी है, और इतना तेजी से मैं आगे जा रहा हूँ। तो कमिंग डेज में मुझे एक लाइक जीरोधा एंजल ब्रोकिंग अपस्टॉक जैसा मेरे को एक ब्रोकिंग फार्म भी लॉन्च करना है, मेरे को एक पीएमएस, अभी एसबीआई मैनेज करता है 3.2 लाख करोड़ फंड मैनेज करता है पीएमएस में, मेरे एसेट क्लास फंड मैनेज करता है 2 लाख करोड़। तो मुझे भी आगे जाके बड़ा लेवल पे कुछ करना है, एंड इसके लिए जो करना है, अगर मेरे को सीए डिग्री है सीएफए डिग्री है कुछ भी डिग्री चाहिए वो मैं कर लूंगा आगे जाके। एंड अभी मेरा बहुत सारे डिग्री भी चल रहे हैं, अब किसी बच्चे को पूछोगे कि भाई तू क्या कर रहा है, बोलेगा मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो कोई बोलेगा मैं एमबीए कर रहा हूँ। धनंजय जी ने मेरे को सिखाया कि प्रदीप नो 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 ये मत करो, तुम ग्रेजुएशन भी करोगे, तुम सीएफए भी करोगे, तुम एमबीए भी करोगे, तुम्हें पीएचडी भी करना है, तुम्हें सब कुछ करना है, और वो भी कमिंग 1-2 ईयर में करना है, सब कुछ काम खत्म करना है अगर ग्रोथ चाहिए। तो इसके लिए क्या है ना सर बहुत एनर्जी चाहिए होता है, एंड आजकल का जो नौजवान वो क्या है ना कंसेंट्रेट नहीं कर पाता है, बस करता है करता है, एक मोटिवेशन देख के करता है, उसके बाद छोड़ के अभी जो डिस्ट्रैक्शन है उसके तरफ चला जाता है। लेकिन मेरे अंदर क्या है, मेरा मतलब एक मिशन है, मुझे करना है, मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे अंदर इतना एनर्जी आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। तो एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ,
इनफैक्ट आपकी बातों से मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो बात याद आता है जो उन्होंने महात्मा गांधी के लिए बोला था कि तुम ही एकला चलो रे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, बंगाली में बोलता है बंगाली में जीतो बोलते डाक सुने के ना और आसे डाक सुने तो जदि केव ना आसे ताऊ तुम ही एकला चलो रे, राइट। सो दैट इज फैंटास्टिक। एंड ऑफ कोर्स आप जब जर्नी में निकल पड़ते हैं, भले शुरुआत में आप अकेले होते हैं लेकिन फिर जर्नी में लोग जो है आपके साथ हो जाते हैं, वो बोलते हैं ना आप अकेले चलते हैं लेकिन कारवां जो है निकल पड़ता है। सो अगेन चाइनीज लोगों का ये मानना है, स्पेशली चाइनीज से हम बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं होते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजों जो अच्छी हैं हमें दूसरों को माननी चाहिए। अगर आप उड़ सकते हो तो उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते हो तो कम से कम दौड़ो, अगर दौड़ भी नहीं सकते हो तो चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो कम से कम रेंगो, बट एक जगह पे मत रुको। सो कहीं ना कहीं आपकी बातें इन्हीं सब चीजों को एक्सप्लेन कर रही है, एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें हमारे ऑडियंस काफी अच्छे से पॉजिटिवली इसको लेंगी और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेगी। प्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जर्नी की बात है, आपने लर्निंग लिया, आपको मेंटर मिले, आपने एक एक करके धीरे धीरे करके ठीक है 9-10 सालों में आज एक इस मुकाम पे हैं, लेकिन एक होता है ना जब जर्नी में हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या करने वाले हैं या क्या कुछ अचीव कर लेंगे, इंस्पायर्ड ऑफ कि हमें अपने आप पे भरोसा होता है, ठीक है, लेकिन लेकिन एक वो जो टाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट या आहा मोमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके बाद हमें वो विश्वास आ जाता है कि अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका वो आहा मोमेंट कौन सा था या टर्निंग पॉइंट कौन सा था लाइफ का? एक्चुअली सर, ये जो टर्निंग पॉइंट है ये मैं एकदम शुरू का बात ही बताऊंगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, मैंने तो एक का नाम बताया और 2-4 मैंने कंपनी किया था। जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ा, उसके बाद जैसे ही मैंने स्टॉक मार्केट पे एंट्री लिया एंड मेरा लॉसेस हुआ, एकदम जो टफेस्ट सिचुएशन है, तभी मैंने सोच लिया था अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इसी फील्ड से करना है। तभी मेरे पास रिसोर्स नहीं था, एडुकेशन नहीं था, नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं खुद सेल्फ इतना कॉन्फिडेंट हूँ एंड मैं खुद को मतलब इतना विश्वास करता हूँ कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं ऐसे ऐसे सोचना, मतलब आप बोलोगे कि भाई तुम पागल हो, मैं अगर किसी के साथ मेरा थॉट शेयर करूंगा ना बोलेगा तू भाई पागल है। मतलब ये जो एक सोच है जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 8 साल पहले किया था, उसको मैंने सोचा था, इसीलिए मैं आज ये कर रहा हूँ। और ये जो टर्निंग पॉइंट है, तभी जब मैं स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, जब मेरा पहला दिन लॉसेस हुआ था, डिप्रेशन में आया था, चारिदिक से मेरा प्रॉब्लम था, हर जगह से मेरे को डिमोटिवेशन मिल रहा था, मैंने 2-4 दिन तो सोया भी नहीं था, मेरा घर वाले बोल रहे तू कि छोर इस मार्केट को, तू छोर नहीं तो हम तुझे पढ़ाई के लिए कुछ भी खर्चा नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और मैं मेरा फैमिली को, मेरा सिस्टर को भी छोड़ने के लिए रेडी था। मेरा जीजू मेरे को बोल रहा है कि क्या क्या कर रहे हो प्रदीप, तुम होटल मैनेजमेंट करके जाओ ना, बाहर जाओ, इंडिया के बाहर चले जाओ, वहां पे अच्छा खासा तुम्हें 50,000 का नौकरी मिल जाएगा, बस अपने काम करो। लेकिन ये सब में क्या ना, मैं सेटिस्फेक्शन नहीं रहूंगा, मतलब मैं सेटिस्फाइड कभी नहीं होऊंगा। ऑब्वियसली धनंजय जी ने एक चीज मैंने मेरे को बोला अभी, लेकिन इससे पहले भी मुझे एक चीज पता है, अगर मैं किसी को पैसा का लालच दूंगा या फिर पैसे के लिए काम करूंगा कराऊंगा तो मेरे साथ कभी नहीं जुड़ेगा। अगर मैं किसी को इमोशन के साथ जोड़ लूंगा एंड उसको मैं वैल्यू दूंगा, उसके लाइफ को बेटर करने के लिए, उसको मतलब उसका लाइफ मेरा लाइफ नहीं है, अगर कोई भी बंदा मेरे से फंड मैनेज करा रहा है तो एक परिवार है, उसका फंड मैनेज मैं कर रहा हूँ, एक परिवार का 50 लाख का फंड मैनेज मैं कर रहा हूँ, तो उसका सारा जिंदगी का सारा पैसा मेरे को दे दिया कि भाई प्रदीप तुम जो करो करो, तो उसको कैसे बेटर करना है। मुझे एक ही चीज मेरे दिमाग पे अभी चलता है एंड ऐसे ही कर रहा हूँ। एंड सर, आपका जो मेन पॉइंट है, वो जो एक टर्निंग पॉइंट बताओ, टर्निंग पॉइंट सर वो जो मैं लॉसेस में था तभी मैंने सोच लिया था 8 साल पहले, एंड मैं अभी ये सर आपको एक बात बता रहा हूँ, आज से 50 साल बाद भी अगर हम लोग जिंदा रहे तो अगर हमारा दोबारा बात हुआ तो मैं एक ही बात बोलूंगा
कि नहीं टर्निंग पॉइंट 50 साल बाद नहीं आएगा, टर्निंग पॉइंट मेरा 50 साल पहले ही आ गया था, और जो अभी हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है, जैसे कि 8 साल पहले जो मैंने सोचा था वैसे वैसे ही हो रहा है। तो अभी मेरा 20 साल का जो प्लानिंग है, टारगेट है, अभी इस फील्ड पे एंट्री हो गया है सक्सेसफुली, अच्छा खासा ब्रांड भी बन रहा है धीरे धीरे, और भी ज्यादा डिग्रीज क्वालिफिकेशन, और भी ज्यादा ग्रोथ आने वाला है कमिंग सीआर में। ये सब कुछ मैंने ना 2015-16 में ही हो गया, तो टर्निंग पॉइंट मेरा वही था इस फील्ड में आने फैंटास्टिक, के लिए। फैंटास्टिक। सो आपकी बात को अगर मैं इस तरीके से समझूं कि आपने नॉइंगली अननॉइंगली कैसे भी करके जो स्टॉक मार्केट में आपने एंट्री लिया था, आप उसको ही एक तरीके से टर्निंग मानते हैं, टर्निंग पॉइंट मानते हैं। वो एक अहम मोमेंट था, क्योंकि वो एंट्री ही नहीं होता तो शायद आज आप इस मुकाम पे नहीं होते, राइट? वो आपने सर ये बात सही बोला, वो एंट्री नहीं होता, वो लॉस नहीं होता, वो इंदौर वाले से मेरे को लॉस नहीं होता, लोगों ने मेरे को धोखा नहीं देता, मम्मी ने अगर बोला कि तुम मत कर, ऐसा भी दिन गया सर। और एक जो बात मैंने बताना भूल गया, जी फिश का आरोत रहता है हमारे यहाँ पे, जो कार में जाके मॉर्निंग पे डिलीवर करना होता है, फिश का आरोत बोलता है, तो जी वहां पे भी मैंने काम किया। क्या बात, मैं मोबाइल पे मार्केट देखता था एंड काम करता था वहां पे, हफ्ते में मेरे को 500 रुपया मिलता था, वो 500 रुपया लाके भी मैंने मार्केट को सीखा, मार्केट में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पे डाल दिया कौन सा इंस्टॉलमेंट कैसे काम करता है। तो ये जो मार्केट है ये मेरा ब्लड में है, अब मैं बताऊँ बिल्कुल। क्या, ये मेरा ब्लड में तो है सर। अब तो एक काफी लंबी जर्नी हो चुकी है। 21 साल में अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो उससे बेटर क्या हो सकता है, राइट? सो लोग ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, 25 साल के बाद अपना करियर स्टार्ट ही करते हैं, और यहाँ आप का 21 साल के एज में 10 साल का एक्सपीरियंस, वो भी मार्केट का एक्सपीरियंस लेके रखे हुए हैं। आपने अपनी कंपनी एस्टाब्लिश कर ली है, आपकी अपनी टीम है, मार्केट डिजिटल मार्केटिंग की टीम अलग है, रिसर्च की टीम अलग है। सो इट्स लाइक वेल इक्विप्ड टीम है। सो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है इतने कम एज में। सो आप जो आगे के लिए जो अपना प्लान बता रहे हैं कि अपने को भी फंड मैनेज करना है, अपने को भी पीएमएस बनना है, तो ये जब दिमाग में अब आ चुका है तो बस अब वो एक डेट ही होना है, मतलब जो दुनिया के सामने आने वाला है। सो प्रदीप जी, आपसे बात करके तो मतलब समय का पता ही नहीं चल रहा है कि कितना जल्दी हम लोग प्रोग्राम के एंड में आ चुके हैं। जाते जाते हम ये बात जानना चाहेंगे कि अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें किसी भी सूरत में, सो इट्स लाइक उन्हें अपना फंड मैनेज कराने की बात हो या फिर उन्हें आपसे ट्रेनिंग लेने की बात हो, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते? हमारा YouTube चैनल है सर, PhD कैपिटल, वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा Facebook पे भी पेज है PhD कैपिटल नाम से, वहां पे भी हम कनेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा बोर्ड लाइन नंबर भी है 9564877770, मेरा टीम के पास मोबाइल रहता है, वहां से भी बात करके हमारे साथ कोई भी जुड़ सकता है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो प्रदीप जी, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज बताऊंगा, फिलहाल मेरे से जो बड़ा एज है मैं तो उनको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मेरे से जो छोटा है या फिर जो स्टूडेंट लोग है उनके लिए मैं एक चीज बताऊंगा, भाई लड़की के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस एज में क्या होता है, 17 साल 18 साल, हर कोई बंदा डिस्ट्रैक्शन उसके लाइफ में आता है, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दो भाई, 2 साल 4 साल 5 साल डिस्ट्रैक्शन जो है इसको छोड़ दो, अपने पैशन के लिए काम करो। एंड मैं एक चीज और बताऊंगा, कमिंग सीयर में हमारा जो अभी प्रधानमंत्री है देश का, वो भी बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर बनो। तो ये जो जी कमिंग सीयर में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप ये बहुत चलने वाला है, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, कोई भी फील्ड में अगर आप हो, आप किसी भी लाइन पे हो, तो स्टार्टअप कोई भी खुद का कुछ, हाँ, और कम्युनिकेशन जो है, पब्लिक स्पीकिंग जो है, पर्सनल ब्रांडिंग जो है, मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये सब कुछ आगे इसका मैं बहुत एक फ्यूचर देख रहा हूँ। मतलब आज के 10 साल पहले अगर सर आप चले जाएंगे ना, तो 10 साल पहले मार्केट कैप था 10,000 करोड़ का डिजिटल मार्केटिंग के, आज के डेट में वो 70,000 करोड़ है, 70,000 60,000 करोड़ का मतलब 10 सालों में इंक्रीज हो गया है। आज से अगर आप 2 साल बाद 2 साल पहले किसी को पूछते हो कि भाई तुम ऑनलाइन कोई क्लास करोगे, ऑनलाइन कोई कोर्सेज करोगे, कोई नहीं बोलता था, ये बोलते नहीं पैसा लूट जाएगा, कोई पैसा लेके भाग जाएगा। लेकिन देखो आज के डेट में हमारा भी बात चल रहा है ऑनलाइन पे, एंड ऑनलाइन कोर्सेज आ गया है। तो ये जो एक है, जो भी अभी मेरे को सुन रहा है, आपका जो सर व्यूअर्स है,
हम लोगों को सुन रहा है, मैं एक चीज बताऊंगा, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, अब कोई भी फील्ड में चले जाओ आपको चाहिए ही चाहिए। एंड पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन और इंग्लिश, उसके बाद मेरा भी सर इंग्लिश बहुत खराब है बिलाल, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। एंड मेरा हमारा सबका काम है सीखते ही रहना, हम कोई भी चौधरी नहीं है मार्केट में या फिर कोई भी फील्ड में, हमारा काज ऑनेस्टली सीखना है बस। ऐसे विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, बड़ों को सम्मान करो, अपने पैशन में फोकस रखो। और एक चीज, अगर तुम्हें तुम्हारा पैशन मिल गया तो भाई मोटिवेट मत हो, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, काम करो, डू समथिंग एनीथिंग, कुछ भी करो लेकिन करो, करते जाओ अपने आप रास्ता ओपन होते जाएगा। जैसे कि मैं अभी कोलकाता से अगर हम मैं अभी दिल्ली जाऊंगा तो मेरे को तो पहले मेरा ऑफिस से निकलना होगा ना, उसके बाद मेरे को दमदम एयरपोर्ट पे जाना होगा, कोलकाता एयरपोर्ट में जाना होगा, उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठूंगा, उसके बाद मेरे को जाना है। तो मैं तो यहाँ से कलकत्ता का अभी फ्लाइट लेना है, तो मैं रास्ता मेरे को तभी मिलेगा जब मैं स्टार्ट करूंगा। तो बस यही है, जो स्टूडेंट लोग अभी सुन रहा है, स्टूडेंट कोई भी लड़का हो लड़की हो, डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो, किसी के साथ अटैच में मत आओ, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी यूथ का। अगर ये इसको अगर कोई संभाल सकता है तो बहुत कुछ गेम चेंजिंग हो सकता है। हाँ, तो यही बात बताना है। और एक जो बात है कि भगवत गीता में, गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्यामा वेता जुजुत्सवो मामो कपंडो वश्चैवो किमो कुर्वतो तसंजयो, कोई भी प्लेस हो आपको एकत्रित होके काम करना होगा, एंड आपके जो गोल है वहां पे आपको फोकस करना होगा। अगर आप आपके गोल में, आपके फोकस में, एंड आपका जो डेडिकेशन वो दूसरे कोई से अलग हो तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। एंड बहुत सारे लोग आपको नीचा गिराने का ट्राई करेगा, हल्के में ले लो उसको भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो लोग बोलेगा बोलेगा, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, कोई बात नहीं है। धनंजय जी ने मेरे को एक चीज सिखा दिया कि प्रदीप लोगों का फीडबैक लो, कमेंट को इग्नोर करो, कोई बोल रहा है प्रदीप अच्छा है ठीक है ना, कोई बोल रहा है प्रदीप नहीं नहीं कुछ नहीं जानता तो भी ठीक है ना, तुम्हें जो करना है तुम करते ही जाओ, दुनिया एक दिन स्टोरी बन जाएगा, दुनिया एक दिन तुम्हें सैल्यूट करेगा कि भाई हाँ तुमने क्या कर दिया। मैं ही आपको, आपका जो व्यूअर्स है, बड़े लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, सबके पास नॉलेज है, लेकिन एक चीज जो है सर मैं सबके लिए बोलना चाहूंगा, सबके पास नॉलेज रहता है, सब हमने मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, जो बंदा क्लास 1 में 2 में फर्स्ट होता था ना, वो क्लास 5 6 में नहीं हुआ, जो 7 8 9 10 में फर्स्ट हुआ, उसके ग्रेजुएशन के टाइम उसे दिखाई नहीं दिया। तो ये होता है ना लाइफ में, किसी की भी किसी मतलब एक एक स्टेज रहता है, हर एक स्टेज के चलते वो चेंज होते रहता है, तो उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे जाना होगा, नंबर वन। नंबर टू, बहुत लोगों के पास टैलेंट रहता है, नॉलेज रहता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद छोड़ देता है, बोलता है नहीं अभी बहुत कुछ हो गया। तो लाइफ में बहुत कुछ कभी नहीं होता, जो करना है बस हमेशा करना है, कंसिस्टेंसी से करना है। दुनिया का कोई भी आदमी अगर आपके पास एक ऐसा माइंडसेट हो तो कभी आपको रोक नहीं सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, इतना तो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं इतना बता सकता हूँ। क्या बात है प्रदीप जी, आपकी बातें मतलब आप जितने मजेदार हो आपकी बातें उतनी ही मजेदार है, इंस्पायरिंग है, एंड आई एम श्योर आज का हमारा सेशन से काफी लोगों को फायदा होने वाला है। जो भी मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कुछ स्पेशल फीडबैक देना चाहें, कमेंट देना चाहें, कॉम्प्लीमेंट देना चाहें, तो फेसबुक लाइव में हम ऑलरेडी हैं, वहाँ पे अपना कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। हम इस वीडियो को जो है यूट्यूब में भी डालने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने स्पेशल फीडबैक या कमेंट कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेरीज होगी तो वहाँ पे डाल सकते हैं। प्रदीप जी, जाते जाते समय का अभाव है, बट जैसा कि है एंड में हम लोग एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं और ट्रेनर भी हैं। सो बात जब स्टॉक मार्केट की आ जाती है, बाकी एरियाज पे नॉलेज बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन स्टॉक मार्केट की जब बात आती है, यहाँ पे दो चीजें काम करती है, वो है कि नॉलेज प्लस इमोशन। लेकिन जब रेशियो की अगर हम बात करें तो शायद यहाँ पे मामला उल्टा हो जाता है। नॉलेज जो आपका है वो धरा का धरा रह जाता है अगर आप सही तरीके से अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो अपने दर्शकों के तरफ से ये क्वेश्चन जो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक इंसान को, चाहे वो ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी का जो लीला हुआ था, आई थिंक द्वापर युग में, आज से बहुत साल, हजारों साल पहले, तो
वहां पे एक माया देवी करके नाम था, जो क्या क्या कहते हैं, किस जब कान्हा कभी भी कुछ भी प्लेस में जाता था तो वो माया देवी क्या करता था, अपना माया का प्रकोट प्रकट कर देता था, माया का जाल में लोगों को फंसा लेता था। तो आज के डेट में क्या है ना, कोई भी बिजनेस हो एंड जहां पे ग्रीड एंड फेयर हो एंड मार्केट में, मैंने एक चीज आपको सर थोड़ा टाइम पहले ही बताया कि मार्केट इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। करेक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशन तो एक मैटर करता ही है, एंड इमोशन को अगर आप मैनेज करना चाहो तो एक ही चीज से कर सकते हो, वो है जहां पे आपका कोई डर नहीं रहेगा कि नहीं मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या होगा। जैसे कि बराबर देखो अभी आज के डेट में वॉरेन बफे जी, कोई भी DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर राधा कृष्ण दमानी, परंजू वेलिया, राकेश झुनझुनवाला, मॉर्गन स्टैनली, जो भी बड़े बड़े जिनके पास फंड है, राकेश झुनझुनवाला ने पिछले साल में क्या किया था, जब कोविड के टाइम में क्रैश हुआ था, क्रैश से 3 दिन पहले बोला था नहीं मार्केट ठीक है चलेगा कोई बात नहीं है, 3 दिन बाद मार्केट क्रैश हुआ, तो उनको क्या हुआ, उनको कुछ फर्क ही कुछ नहीं नहीं है। पड़ा पड़ा जी। बिकॉज उन लोगों का क्या है ना, बड़े आदमी का बोथ साइड हेजिंग रहता है, मार्केट कल 1000 पॉइंट के ऊपर भी चले जाए, कल 1000 पॉइंट का नीचे भी चले जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है उनको, उनको पता है क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग क्या है ना, हम रिटेलर है, हमको ये समझना होगा भाई, हम चौधरी नहीं है, हमारे पास सब वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप चाहे भी नहीं ला ही नहीं सकते हो आप। तो हम क्या करते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है, सोचता है कि हम अगर ईयरली हमें 15% का रिटर्न आ जाएगा तो बहुत है, लेकिन जैसे ही 2 महीना होता है सोचता है नहीं इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दू, ये कर दू, वो कर दू। ऐसे जो एक सिचुएशन है इसको मैनेज कर सकते हैं हम पोजिशन साइजिंग के ऊपर से एंड डाइवर्सिफिकेशन से। ठीक है, अगर हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन एक प्लान है जहां पे मार्केट अगर कभी भी नीचे भी आ जाए, मेरा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। एंड सर एक चीज क्या है ना, हमें मोटा मोटा नॉलेज चाहिए। क्रैश आया था 1929 में, द ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड, आज से 10 साल का डिप्रेशन था, उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ, उसके बाद 1992 हर्षद मेहता का टाइम पे मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ, 2001 में .com बूम आया था, 1637 ख्रीस्टाब्द में क्या हुआ था, ट्यूलिप मनी का क्रैश आया था, उसके बाद भी मार्केट रिकवर हुआ, 2008 में लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस हुआ तभी भी मार्केट रिकवर हुआ, 2020 पे कोविड का क्राइसिस हुआ तभी भी मार्केट रिकवर हुआ, 1993 से अगर मैं 2015 का बात बोलूंगा तो सेंसेक्स क्या है सर, 1 से 25 हजार आया, और लास्ट 7 सालों में 25 हजार से 50 हजार आ गया, डबल हो गया 7 सालों से। तो एक बराबर चीज तो हमें ये एक्सेप्ट करना ही है, हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, लॉन्ग टर्म में 100% में 90-95% चांसेस आपका लॉसेस नहीं होने वाला, ये है इन्वेस्टर का बात हो गया। अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडिंग आप सीखो, कैसे ट्रेडिंग होता है, गैम्बलिंग मत करो मार्केट पे, गैम्बलिंग करोगे तो एक हफ्ते में मार्केट से चले जाओगे। अगर कोई बंदा टीवी देख के काम कर रहा है कि कोई भी बाय सेल बोल दिया दूसरे के भरोसे में, ये सब कुछ नहीं चलता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सीखो ना, सीखने में अगर कोई भी फील्ड, इस फील्ड पे आप आ रहे हो और इसमें सोच रहे हो कि नहीं यहाँ पे मेरा, और क्या है ना लोग क्या इसको सर हल्के में ले लेता है, सोचता जी है कि भाई 1 लाख लेके आया इसको मैं 5 लाख बना दूंगा, भाई ऐसा नहीं होता है, 10 लाख से 1 लाख बन सकता है, 1 करोड़ है तो 10 लाख बन सकता है, 100 करोड़ है तो 10 करोड़ बन सकता है, लेकिन 1 लाख से 1 करोड़ बनने में टाइम लगता है, और टाइम लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास पेशेंस पेशेंस नहीं है, पेशेंस चाहिए, वो इमोशन कंट्रोल करने की क्षमता होना चाहिए। एंड और एक बात सर, जो अगर आप ट्रेडर्स क्या बात करोगे मैं बताऊंगा, आप सीखो ट्रेडिंग सीखो, और ट्रेडिंग सीख के आप काम करो, पहले लर्निंग करो उसके बाद ही अर्निंग आएगा। हर बड़ी में किसी से टिप्स मत लो, ये टिप्स का चक्कर बहुत ही खराब है, टिप्स मिलता है रेस्टोरेंट पे, स्टॉक मार्केट में जो टिप्स मिलता है वो काम नहीं करता है। तो एक ये बात हो गया ट्रेडर का, एक बात हो गया इन्वेस्टर का, और एक जो बात है मोटा मोटा, अगर आप कोई भी अच्छा फैमिली से हो, आपके पास पैसा है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि आपका फंड मैनेजर आप रख लो। क्या रहता है ना, मैं अगर एक फील्ड में टाइम, मतलब मार्केट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मार्केट इजी नहीं है, और किसी को पता नहीं है कि कल क्या होगा, जिस दिन किसी को पता चल जाएगा कि कल क्या होगा उसके नेक्स्ट डे तो मार्केट ही बंद हो जाएगा। तो यही बात है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 घंटा रिसर्च करते हो, जरूरत नहीं है मार्केट पे, आपका खुद का ब्रेन लगाओ भाई, इतना वेल स्टेब्लिश्ड, इतना अच्छा अच्छा ब्रेन है, आप हायर करके खुद लग, आप शाहरुख खान को देखो, सलमान खान को देखो, इन लोगों का इनकम क्या है, इनकम साल में 200-300 करोड़ का है, तो ये लोग खुद मार्केट पे कमाता है, इनका फंड मैनेजर रहता है, फंड मैनेजर फंड मैनेज करता है। तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाओ,
म्यूचुअल फंड भी प्रोफेशनल हुए हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बस अगर आपके पास टाइम है तो सीखो, टाइम ना है तो फंड मैनेजर रख लो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मोटा मोटा फंड मैनेजर मैं नहीं रखना चाहता हूँ लेकिन मार्केट से पैसा कमाना चाहता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट करो, सबसे बढ़िया बात है। फैंटास्टिक। सो प्रदीप जी, आपके साथ पिछले 1 घंटा से हम डिस्कस कर रहे हैं एंड ये इंटरेक्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। इनफैक्ट व्यूअर्स को जो लास्ट मैसेज मिला कि आप हड़बड़ी करके आप एकदम से मार्केट में जंप करेंगे तो नहीं चलेगा, अगर आपको अर्न करना है तो पहले लर्न कीजिए। दूसरा, इमोशन मैनेजमेंट की जहां तक बात है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ होता है। आप सोचेंगे कि 2-4 सौदा कर लेंगे और आपको एक्सपर्टाइज आ जाएगी, तो वो तो होने वाला है नहीं। और जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, अगर आपके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है तो बेटर होगा आप किसी फंड मैनेजर का हेल्प ले लीजिए, किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट। सो प्रदीप जी, आपके साथ काफी अच्छा लगा रहा इंटरेक्शन। हम उम्मीद थैंक करते यू हैं सो कि मच सर, आपसे भी दोबारा बात पूछा। करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आपका ये जो शो आप चला रहे हो, लोगों को एस्पायर टू इंस्पायर कर रहे हो आप, बहुत जबरदस्त। एंड आपको भी बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ विशेस फ्रॉम आवर फुल टीम। बहुत ही बढ़िया सर चलेगा इन फ्यूचर आपका ये शो। थैंक यू सो मच सर, इतना थैंक कुछ यू सो बताने मच। के लिए। थैंक यू। ओके।